मुंडकटी थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक ऐसे आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है जिसने एक रात में लूट की 3 वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी के 2 साथी अभी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार जारी हैं। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। मुंडकटी थाना प्रभारी SI प्रीतम सिंह ने बताया कि उनकी टीम रात्रि गश्त के दौरान क्षेत्र में मौजूद थी। उसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक NH-19 पर गांव बंचारी के समीप मौजूद है, जिसके पास अवैध हथियार है और वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी युवक को काबू किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नितिन उर्फ मोटा निवासी कुंडा कॉलोनी होडल बताया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मुंडकटी थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 लूट की वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी के 2 साथी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी नितिन को गहन पूछताछ व बरामदगी के लिए अदालत में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दौरान क्राइम पड़ताल गश्त रात्रि के समय हमारी टीम हेड कांस्टेबल संजय कुमार और साथी मुलाजमान के गश्त के दौरान एक आरोपी नितिन और मोटा सन ऑफ नरेश निवासी होडल को गिरफ्तार किया, जो दौरान तलाशी उसकी टेंट की डब से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसका नियमानुसार अभियोग अंकित किया गया। दौरान पूछताछ पता चला कि हमारे थाने में दर्ज अभियोग संख्या नंबर 117 में वही आरोपी लूट की वारदात में शामिल था, जो अन्य खुलासा होने की संभावना है, जिसको 3 दिन के रिमांड पर आज न्यायिक हिरासत में पेश करके पुलिस रिमांड लेने की आज अर्जी लगाई है। मान्य अदालत से रिमांड और प्राप्त होने के उपरांत और गहन पूछताछ करके अन्य जो मुकदमा अगर हैं कहीं संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें उसकी खुलासा किया जाएगा। तो सर क्या मामला कबूल, कहाँ से लूट की इसने और कितने की लूट करी थी, कितने लोग शामिल थे इस लूट में? 3 लोग शामिल थे, जो 2 लोग होटल के निवासी हैं वीरू और सौरभ, जिनकी गिरफ्तारी उन बकाया है, जिन्होंने सराय गाँव के पास से लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक ही रात्रि में इन्होंने 3 लूटों को अंजाम दिया था, जो लूट की बरामदगी में इनको शामिल किया है। जो लूट में 3 लोग शामिल थे, तो इसे बरामद किया जाना है। लूट का माल, मोबाइल, पैसे और अन्य सामग्री, उसके लिए हमने 3 दिन का रिमांड आज मांगा है। तो कहाँ के युवक से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं? ये लोग बिहार और UP के रहने वाले थे, राहगीर थे, आने जाने वाले लोग थे और अपना रास्ता गुजर रहे थे। गुजरते हुए रास्ते में से इन्होंने पहले उन लोगों को रोका है, रोक के लूटा है और लूटने के बाद उसके बाद फिर अगले यात्री को लूटा है। लगातार एक ही रात्रि एक ही रात्रि में 3 यात्रियों को लूट के अंजाम इन लोगों ने दिया।